हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कमला सरकार के सामने खाली खजाना चुनौती बना हुआ है। विकास कार्यों और वादों पर पैसे की कमी के कारण ब्रेक लग गया है। सरकार राजस्व को बढ़ाने के लिए नित नया प्रयास कर रही है। इस कड़ी में सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ग्राम पंचायतों में भजन मंडलियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिवराज सरकार में दी गई 57,60,00,000 की राशि वापस मंगवाई है। बताया जा रहा है कि इस राशि का उपयोग सरकार विकास कार्यों को पूरा करने में करेगी। दरअसल शिवराज सरकार ने बीते साल जुलाई 2018 में प्रदेश की 22,824 ग्राम पंचायतों में भजन मंडलियों को प्रोत्साहित करने के लिए 57,60,00,000 रुपए की राशि प्रदान की थी, ताकि ढोल, मंजीरे, झांझ और हारमोनियम मंगवाया जाए। लेकिन अक्टूबर में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई, जिसके कारण ज्यादातर जिलों में राशि खर्च ही नहीं हो पाई। ये राशि कलेक्टर्स और जिला पंचायत सीईओ के माध्यम से बंटवाई गई थी, जिसे वर्तमान की कमलनाथ सरकार ने वापस बुलवा लिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर सभी सभायुक्त, कलेक्टर और सीईओ प्रति ग्राम पंचायत बांटी गई 25,000 रुपए की राशि जल्द संस्कृति विभाग में जमा करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि शिवराज सरकार के दौरान भजन मंडलियों को बांटा गया पैसा वापस मंगवाया गया है, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा था। हितग्राहियों तक राशि नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। दिखा दे छोरी के बेड़ा पार हो गया के बिहारी देना जी। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था बहुत समय से, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित हैं तो अनिवार्य होना चाहिए था पहले से भी कि अधिकतर लोग जो हमारे प्रदेश के हैं, जो यहीं पर बड़े हुए हैं, जिन्होंने लाखों रुपए उनके शिक्षा पर खर्च किए हैं, तो उनको ही पहले रोजगार मिलने में प्राथमिकता होनी चाहिए थी। और मैं हमारे बहुत ही मेहनती और कर्मठ मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनने ये निर्णय लिया है। युवाओं के हित का निर्णय है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस निर्णय से जो बेरोजगार शिक्षित युवा थे उनको और रोजगार के अवसर मिलेंगे जी। क्योंकि देखिए उसका सही उपयोग नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं हम देखते थे, क्योंकि मैं विधायक था पिछले 5 साल में और ऐसे बहुत सारे युवा साथ में और ऐसे जो लोग जो वहाँ पर मंडली के सदस्य थे वो मेरे पास आते थे भजन मंडली की राशि के लिए। उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जिस जो राशि पंचायत में पहुँच रही थी वो सही हितग्राही को नहीं मिल पा रही थी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इससे भी जो भी राशि इसमें जो बचेगी उसका फिर जो सही उपयोग है वो हम पूरा प्लान करेंगे। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस को भजन कीर्तन पसंद नहीं है। कांग्रेस सरकार बीजेपी की योजनाओं को बंद कर रही है। राशि दी गई कोई बहुत ज्यादा राशि नहीं थी, 25,000 रुपए प्रति ग्राम पंचायत को जब मैं पिछले बार पंचायत मंत्री था तो उसमें दिया गया था, संस्कृति विभाग की राशि। सभी लोग जानते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कीर्तन, भजन, लोकगीत इत्यादि के कार्यक्रम आयोजित होते थे। सारे गांव का, वो पूरी कम्युनिटी का, पूरे समूह के रूप में किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं दे रहे थे। ग्राम पंचायत में कोई रखा रहता वाद्य यंत्र, चाहे हारमोनियम, ढोलक हो, मजीरे हो, कोई भी हो, भगवान के गीत गाते, भगवान के भजन करते, लोकगीत गाते लोग सारे। अब इस सरकार के लिए भजन पसंद नहीं है, वो कहती नहीं गाने देंगे, पैसा वापस दे दो। लोग गीत हमारे पसंद नहीं, लोग संस्कृति पसंद नहीं। मैं मान के चलता हूँ कि इस तरह की जो प्रवृत्तियाँ हैं, अब ये क्यों नहीं कहते कि हम दिवालिया हो गए इसलिए हम भजन मंडलियों का सामान ही वापस ले रहे हैं। कहते हैं कि ऐशयासी में पैसा इतना खर्च हो रहा है, बता दें कि मुख्यमंत्री निवास की सजावट में, विस्तार में 6 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, इस सब में मितव्ययिता नहीं दिखती। 50 काम ऐसे बता दें, मंत्रियों के बंगलों में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है रिन्यूअल में, अभी कौन से ऐसे खराबे हो गए थे मंत्री के, मंत्री चाहते हैं कि ताजमहल में रहे। ये सारी की सारी बातें जो हैं इस बात का प्रतीक हैं कि इनके मंत्री और मुख्यमंत्री ऐशो आराम के सिवाय और लोक हित का कोई काम नहीं करना चाहते। मैं इसकी निंदा करता हूँ जो पैसा वापस लिया जा रहा है, और मैं सभी लोगों से कहूँगा
ग्रामीण लोगों से खास तौर से, क्योंकि वो राशि पंचायतों के पास गई थी, नगरी निकायों के पास नहीं गई थी। मैं लोगों से कहूँगा कि वो गांव गांव इस बात का विरोध करें, क्या नुकसान है आखिर वाद्य यंत्र देने में, क्या नुकसान है हारमोनियम देने में, क्या उस तो नुकसान है ढोल ढोल मजीरा देने में, उनका पैसा ही वापस ले लें। मैं मान के चलता हूँ कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।